फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल। आई एम रजनी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सोलिलोक्वी। सोलिलोक्वी क्या है? ओरिजिन एंड डेफिनेशन ऑफ सोलिलोक्वी। द वर्ड सोलिलोक्वी इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सोलो। जो वर्ड है सोलिलोक्वी वो लैटिन भाषा के एक शब्द सोलो से लिया गया है, विच मीन्स टू हिमसेल्फ, जिसका मतलब स्वयं होता है, एंड लोक्वर विच मीन्स आई स्पीक, जिसका मतलब मैं बोलता हूँ, रेस्पेक्टिवली। ए सोलिलोक्वी इज़ ऑफन यूज्ड एज ए मीन्स ऑफ कैरेक्टर रेवलेशन और कैरेक्टर मैनिफेस्टेशन टू द रीडर और द ऑडियंस ऑफ द प्ले। सोलिलोक्वी का यूज़ किया जाता है कैरेक्टर के रेवलेशन के लिए और कैरेक्टर के मैनिफेस्टेशन के लिए, टू द रीडर्स, रीडर्स को और ऑडियंस को जो कि प्ले में बैठे रहते हैं प्ले को देखने के लिए। ये सोलिलोक्वी इज़ ए पॉपुलर लिटरेरी डिवाइस। एक सोलिलोक्वी जो है एक बहुत ही पॉपुलर लिटरेरी डिवाइस है, ऑफन यूज इन ड्रामा, जो ड्रामा में यूज बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था, टू रिवील द इनर मोस्ट थॉट ऑफ ए कैरेक्टर, बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए कैरेक्टर के जो थॉट्स है, जो उसके मन में विचार चल रहे हैं उनको शो करने के लिए। इट इज़ ए ग्रेट टेक्निक यूज टू कन्वे द प्रोग्रेस ऑफ एक्शन ऑफ द प्ले। एक बहुत बड़ी टेक्निक थी प्ले के एक्शन की प्रोग्रेस को रीडर्स तक पहुंचाने के लिए, बाय मींस ऑफ एक्सप्रेसिंग ए कैरेक्टर्स थॉट, कि कैसे एक कैरेक्टर अपने थॉट्स को ऑडियंस तक पहुंचाता है, अबाउट ए सर्टेन कैरेक्टर और पास्ट, प्रेजेंट और अपकमिंग इवेंट, किसी विशेष कैरेक्टर के बारे में या फिर बीते उसके टाइम जीवन में बीती हुई कोई घटना या वर्तमान में होने वाली कोई घटना या भविष्य में होने वाली घटना के बारे में वो ऑडियंस को बताता है, वाइल टॉकिंग टू हिमसेल्फ, खुद से ही बात करता है, विदाउट एक्नोलेजिंग द प्रेजेंस ऑफ एनी अदर पर्सन, बिना ये जाने कि उसे कोई सुन रहा है, वो अपने मन की बातों को स्टेज पर व्यक्त करता है। सोलिलोक्वी एंड मोनोलॉग। समटाइम्स सोलिलोक्वी इज रॉन्गली मिक्स्ड अप विद मोनोलॉग एंड असाइड। कभी कभी सोलिलोक्वी को गलत रूप से मिक्स कर दिया जाता है मोनोलॉग और असाइड के साथ। दीज टू टेक्निक्स आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट फ्रॉम ए सोलिलोक्वी। ये दोनों टेक्निक्स मोनोलॉग और असाइड बिल्कुल अलग है सोलिलोक्वी से। ऑल्दो लाइक सोलिलोक्वी ए मोनोलॉग इज ए स्पीच, हालांकि सोलिलोक्वी एक स्पीच है। ऑल्दो लाइक सोलिलोक्वी, सोलिलोक्वी की तरह ए मोनोलॉग इज ए स्पीच, ए मोनोलॉग भी एक स्पीच है। द पर्पज एंड प्रजेंटेशन ऑफ बोथ इज़ डिफरेंट, लेकिन दोनों का उद्देश्य और दोनों का प्रजेंटेशन बिल्कुल अलग है। इन ए मोनोलॉग, मोनोलॉग में ए कैरेक्टर यूजअली मेक्स ए स्पीच इन द प्रजेंस ऑफ अदर कैरेक्टर। मोनोलॉग में एक कैरेक्टर जो होता है, स्पीकर जो होता है, वो अपनी स्पीच देता है दूसरे कैरेक्टर्स की प्रजेंस में, वाइल इन सोलिलोक्वी, जबकि सोलिलोक्वी में द कैरेक्टर और स्पीकर स्पीक्स टू हिमसेल्फ। जो कैरेक्टर है, जो स्पीकर है, वो अपने आप से बातें करता है जोर जोर से। वाई डूइंग सो द कैरेक्टर कीप्स दीज थॉट्स सीक्रेट फ्रॉम द अदर कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। ऐसा कर करके द कैरेक्टर कीप्स दीज थॉट्स सीक्रेट, वो इन विचारों को सीक्रेट रखता है, इन थॉट्स को सीक्रेट रखता है दूसरे कैरेक्टर्स से प्ले के। एन असाइड ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ एक असाइड जो इज़ ए शॉर्ट कमेंट, असाइड एक छोटा कमेंट होता है बाय द कैरेक्टर, कैरेक्टर के द्वारा दिया गया टूवर्ड्स द ऑडियंस, जो ऑडियंस को देता है, ऑफन फॉर अनदर कैरेक्टर, दूसरे कैरेक्टर के लिए, बट यूजुअली विदाउट हिज नॉलेज, लेकिन बिना ये जाने कि हाँ ऑडियंस है। इम्पोर्टेंस ऑफ सोलिलोक्वीज लिटरेचर में सोलिलोक्वीज का बहुत इम्पोर्टेंस है। इस सोलिलोक्वी अलाउज योर कैरेक्टर टू एक्सप्रेस हिज और हर व्यूज़ विदाउट नेसेसरीली हैविंग एनीवन टू टॉक टू। इस सोलिलोक्वी अलाउ करती है और कैरेक्टर को
टू एक्सप्रेस, बताने में, व्यक्त करने में उसके व्यूज़ को विदाउट नेसेसरीली हैविंग एनीवन टू टॉक टू, बिना किसी से बात किए हुए। इफ़ देर इज़ अनदर कैरेक्टर इन द सीन, यदि सीन में कोई दूसरा कैरेक्टर होता है, देन सडनली द कैरेक्टर्स रिलेशनशिप विद ईच अदर इज़ एट स्टेक। तो तभी अचानक से जो कैरेक्टर्स के रिलेशंस होते हैं, रिलेशनशिप होती है, वो एक दूसरे के साथ इज एट स्टेक, स्टेक कर दिए जाते हैं। एंड द स्पीकर मे हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट वॉट ही और शी सेज, और स्पीकर को बहुत केयरफुल होना पड़ता है जो वो कह रहा है या वो कह रही है। बट इफ़ द कैरेक्टर इज सिंपली थिंकिंग आउट लाउड, लेकिन यदि कैरेक्टर सोच रहा है बहुत जोर से, टॉकिंग टू ए सैरोगेट, बहुत जोर जोर से बातें कर रहा है और एड्रेसिंग द ऑडियंस, या फिर ऑडियंस को एड्रेस कर रहा है, देन दिस डजंट मैटर, ही और शी कैन जस्ट स्पीक एट लेंथ अबाउट द टॉपिक विदाउट वरिंग अबाउट एनीवन एल्स रिएक्शन और परसेप्शन। तो उसके लिए मैटर नहीं करता है, ही कैन स्पीक एट लेंथ, वो बोलता जाता है एंड अबाउट द टॉपिक, टॉपिक के बारे में, विदाउट बरिंग, बिना चिंता किए हुए कि कोई दूसरे व्यक्ति है जो ऑडियंस है उनका रिएक्शन क्या होगा, परसेप्शन क्या होगा। इस सोलिलोक्वी गिव्स द ऑडियंस एन एक्सटेंडेड लुक एट व्हाट द कैरेक्टर इज थिंकिंग एंड फीलिंग। एक सोलिलोक्वी जो है गिव्स द ऑडियंस एन एक्सटेंडेड, वो ऑडियंस को एक एक्सटेंडेड लुक देता है एट व्हाट द कैरेक्टर इज थिंकिंग, जो स्पीकर क्या सोच रहा है वो रीडर्स तक पहुँचाता है, और जो कैरेक्टर्स महसूस कर रहा है उसको रीडर्स तक पहुंचाता है, कि रीडर्स जान सके कि कैरेक्टर जो है स्टेज पर खड़ा हुआ है वो क्या सोच रहा है, हिज और हर ओन वर्ड्स, उसके खुद के शब्दों में। यूज़ ऑफ सोलिलोक्वीज इन लिटरेचर, एलिजाबेथन एज में सोलिलोक्वीज का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया था। शेक्सपियर मेड एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ सोलिलोक्वीज इन हिज प्लेज, शेक्सपियर ने बहुत ज़्यादा सोलिलोक्वीज का यूज़ किया है अपने प्लेज में। बट बिफोर शेक्सपियर, लेकिन शेक्सपियर से पहले वी फाइंड कंसिडरेबल यूज़ ऑफ दिस सिग्निफिकेंट ड्रामेटिक टेक्निक इन क्रिस्टोफर मार्लोज प्ले डॉक्टर फोस्टस। लेकिन शेक्सपियर से पहले हम ड्रामेटिक टेक्निक के क्रिस्टोफर मार्लो ड्रामेटिस्ट है, उनका प्ले है डॉक्टर फोस्टस, उन्होंने इसमें सोलिलोक्वीज का खूब यूज़ किया है। मॉडर्न प्लेज डू नॉट हैव एज मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ सोलिलोक्वी एज द रिनेसेंस एरा। मॉडर्न प्लेज में सोलिलोक्वीज का इतना यूज़ नहीं किया जाता, अब इसके एग्जाम्पल नहीं मिलते हैं जितना रिनेसेंस एरा में किया गया था। पहला एग्जाम्पल है डॉक्टर फोस्टस ड्रामा से लिया गया है, जो कि क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा लिखा गया है। यट आर्ट दाओ स्टिल बट फोस्टस एंड ए मैन, इन द फर्स्ट सोलिलोक्वी ऑफ डॉक्टर फोस्टस, ये डॉक्टर फोस्टस की पहली सोलिलोक्वी है। मार्लो हैज़ नाइसली समड अप फोस्टस लाइफ, मार्लो ने बहुत अच्छी तरीके से समअप किया है फोस्टस की लाइफ को, उसके मोटिव्स को, इंटेंशंस को एंड ग्रोथ को ऑफ हिज आइडियाज, उसके विचारों की। दैट टुक प्लेस बिफोर द स्टार्ट ऑफ द एक्शन, जो एक्शन के स्टार्ट होने से पहले घटित होता है। द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्बिशियस सोल ऑफ डॉक्टर फोस्टस इज रिवील्ड हियर, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एम्बिशियस महत्वाकांक्षी सोल है डॉक्टर फोस्टस की, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। हु वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द एग्जिस्टिंग ब्रांचेज ऑफ नॉलेज, जो अब उसको जो ज्ञान है उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, एंड नीडेड समथिंग बियॉन्ड द पावर्स ऑफ मैन, और ऐसा कुछ करना चाहता है जो एक मानव की पावर से भी बहुत ज़्यादा हो। दूसरा एग्जाम्पल हेमलेट से लिया है, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। टू वी और नॉट टू वी, दैट इज़ द क्वेश्चन, वेदर इट्स नॉवलर इन द माइंड टू सफर द स्लिंग्स एंड एरोज ऑफ द आउटरेजियस फॉर्च्यून। हेमलेट इज़ इन ए स्टेट ऑफ माइंड, हेमलेट एक सोच रहा है, वो ऐसी अवस्था में है, दैट ओनली
शेक्सपियर कैन डिस्क्राइब थ्रू हिज मैग्निफिशेंट पेन, जिसे केवल शेक्सपियर ही डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने कलम से। अनसर्टेन रिलक्टेंट प्रिंस हेमलेट वॉज लिटरली अनेबल टू डू एनीथिंग, निश्चित रूप से जो परेशान है प्रिंस हेमलेट बहुत ज़्यादा परेशान है और कुछ भी नहीं कर पा रहा है। बट मेयरली वेट टू, उसको वेट करना है कैच द कंसाइंस ऑफ द किंग, कि जो किंग है उनके कंसाइंस का, उनके सोने का। बट टू कंप्लीट हिज सपोज प्लान, ताकि वो अपने जो उसने प्लान सोचा है उसको वो कंप्लीट कर सके। थर्ड एग्जांपल है रोमियो एंड जूलियट ड्रामा से, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा ही लिखा गया है। ओ रोमियो रोमियो वेयर फोर आर्ट दाओ, रोमियो डिनाय दाय फादर एंड रिफ्यूज दाय नेम, और इफ़ दाओ विल्ट नॉट बी बट सॉर्न माई लव एंड आई विल नो लॉन्गर वी ए कैपलेट। जूलियट वॉज थिंकिंग अलाउड अबाउट द ट्रेडिशनल एनिमिटी बिटवीन रोमियोज क्लेन एंड हर फैमिली। जूलियट जो है, जो रोमियो से बहुत प्रेम करती है, वो ट्रेडिशनल रूप से बहुत ज़ोर ज़ोर से सोच रही है और अपने मन में जो थॉट्स आ रहे हैं उनको बोल रही है। वो अपने अपनी फैमिली और रोमियो की फैमिली के की जो दुश्मनी है उसके बारे में सोच रही है। एक्सप्रेसिंग हर हेल्पलेसनेस अबाउट द सक्सेस ऑफ देयर लव, और वो एक्सप्रेस कर रही है अपनी असहायता को अबाउट द सक्सेस ऑफ देयर लव, कि उनका जो लव है उसके सक्सेस के बारे में। फंक्शंस ऑफ सोलिलोक्वी, सोलिलोक्वी के क्या फंक्शन है। सोलिलोक्वी इन ए प्ले इज़ ए ग्रेट ड्रामेटिक टेक्निक। सोलिलोक्वी प्ले में एक बहुत ही अच्छी, बहुत बड़ी ड्रामेटिक टेक्निक है और टूल दैट इंटेंड्स टू रिवील द इनर वर्किंग्स ऑफ द कैरेक्टर, जो इंटेंड करती है रिवील करने में कैरेक्टर की जो इनर वर्किंग है, इनर थॉट्स है जो वो सोच रहा है उनको ऑडियंस के सामने प्रकट करने में। नो अदर टेक्निक कैन परफॉर्म द फंक्शन ऑफ सप्लाइंग एसेंशियल प्रोग्रेस ऑफ द एक्शन ऑफ द स्टोरी बेटर देन ए सोलिलोक्वी, और कोई दूसरी टेक्निक नहीं है जो परफॉर्म कर सके फंक्शंस को ऑफ सप्लाइंग एसेंशियल प्रोग्रेस ऑफ द एक्शन ऑफ द स्टोरी, जो स्टोरी के एक्शंस है उनकी प्रोग्रेस को ऑडियंस तक पहुँचाने में, बेटर देन ए सोलिलोक्वी सोलिलोक्वी के बजाय। इट इज़ यूज नॉट ओनली टू कन्वे द डेवलपमेंट ऑफ द प्ले टू द ऑडियंस, इसका प्रयोग न केवल ऑडियंस तक प्ले की डेवलपमेंट विकास को पहुंचाने की, प्ले कहां तक पहुंचा है उसको पहुंचाने का काम नहीं करता है, बट ऑल्सो टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी, बल्कि एक अवसर प्रदान करता है टू सी इनसाइड, देखने के लिए द माइंड ऑफ ए सर्टेन कैरेक्टर, की जो कैरेक्टर है स्पीकर है उसके माइंड के अंदर जो चल रहा है उसको भी वो ऑडियंस तक पहुंचाने का काम करता है। थैंक यू।